मैं प्रतीक रस्तोगी की स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मिरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की ओर जिसमें जान लेते हैं हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे उनको जान लेते हैं। चलिए टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ पीपल एज रिसोर्सेज, यानी कि पीपल एज रिसोर्सेज डेफिनेशन क्या है, पीपल एज रिसोर्सेज की कैसे काम करते हैं लोग रिसोर्सेज के तौर पे, तो वो हम यहाँ पर जानेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय वुमेन एंड मैन, आदमी और औरत द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की क्वालिटी को कैसे मेजर करा जाता है, क्या होती है, उस चीज को हम यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे की जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, अपने पहले टॉपिक की ओर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पीपल एज रिसोर्सेज। इंट्रोडक्शन ऑफ पीपल एज रिसोर्सेज, पीपल एज रिसोर्सेज अ वे ऑफ रेफरिंग टू द कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ दियर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है एक पीपल एज रिसोर्सेज एक तरीका है जिसके द्वारा एक कंट्री के वर्किंग कैपिटल को, वर्किंग पीपल्स को, उनकी एबिलिटी और उनकी स्किल्स के आधार पर क्या किया जाता है, अंतर्गत लिया जाता है पीपल एज रिसोर्सेज के अंतर्गत। पीपल और पीपल एज रिसोर्सेज के अंतर्गत जो एक कंट्री की वर्किंग पीपल हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी एबिलिटी को एग्जिस्ट करा जाता है, यानी कि रखा जाता है उसके अंतर्गत, रखा जाता है पीपल एज रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा गया है। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो जब हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो हमारी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको हम और डेवलप करते हैं किसके द्वारा, एजुकेशन द्वारा और उनकी हेल्थ रिसोर्सेज द्वारा, ठीक है, उन्हें और अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, तो ये कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब पुरानी जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो लोग हैं वहां पर एक कंट्री में रह रहे, उन लोगों को एजुकेशन के द्वारा, उनके हेल्थ रिसोर्सेज के द्वारा नॉलेज प्रदान की जाती है या उनको डेवलप करा जाता है, तो ये कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर टू द कंट्री, और ये क्या ऐड करती है, किसी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर यानी कि उत्पादित क्षमता में वृद्धि लाती है, ठीक है, जस्ट लाइक अ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक किसकी तरह, जैसे फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन किया जाता है। अब बात कर रहे हैं फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल किसे कहते हैं, जैसे किसी फिजिकल कैपिटल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके हमें जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, ठीक है, जैसे लैंड लेबर, लैंड जो हो गया हमारा फिक्स कैपिटल है क्योंकि लंबे समय तक वो प्रोडक्टिव रहेगा। फिजिकल कैपिटल ऐसा होता है जैसे ह्यूमन, ठीक है, वो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन हो गई, या किसी चीज का निर्माण करना वो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं उसी तरीके से कंट्री की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाने के लिए जो कंट्री के एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मोर एजुकेटेड करना, मोर हेल्दी एनवायरनमेंट प्रदान करना ही क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। दिस कैन सीन डायरेक्टली इन अ फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, और इससे आपको पता लग जाएगा कि जितना ज्यादा इंसान प्रोडक्टिव होगा, जितना ज्यादा उसकी उत्पादित क्षमता होगी, जितनी ज्यादा उसका काम करने की क्षमता होगी उतना ही ज्यादा वो अर्न करेगा, ठीक है, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और उनके पास इनकम अच्छी होगी, उनके पास हेल्थ रिसोर्सेज अच्छे होंगे, उनके जीवन रहने का स्तर बहुत ऊपर होगा, जीवन स्तर बहुत ऊपर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। व्हाट इज, बेटा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल समझाया जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, इज इट लाइक अ लैंड और लेबर। अभी मैंने पीछे बताया ह्यूमन रिसोर्स क्या है, जो एक कंट्री में रहने वाले प्रोडक्टिव पर्सन हैं, जो वर्किंग पीपल हैं उनको क्या बोला गया है, पीपल एज रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज बोला गया है, ठीक है। अब इट इज मोर देन दैट, इट इज लाइक अ लैंड और लेबर,
तो लड़का बोलता है इट इज मोर देन दैट, ऑब्वियसली इट इज मोर देन दैट, बिकॉज when we are giving that human resources like education and healthy resources, so they will becoming more developed, and when it is more developed they are called as a human resource formation. ठीक है, human capital formation भी बोला जाता है उन्हें. What is human capital? It is like a rupee, paisa or dollar? नहीं, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इंसान है, जो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग कैप मतलब जो प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, जो एक्टिविटी के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और वो कंट्री की प्रोडक्टिव स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, दैट इज कम्स इन ह्यूमन कैपिटल. ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. एक कंट्री का कोई इंसान कैसे अपने आप को मोर प्रोडक्टिव कर सकता है, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों समझाया गया है. हेयर आर टू केसेस, फर्स्ट इज स्टोरी ऑफ सकल एंड सेकेंड इज स्टोरी ऑफ विलास. वो आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में. फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं स्टोरी ऑफ सकल. देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर. दो बच्चे हैं जो आपस में दोस्त हैं, जिनका नाम है विलास और सकल, और एक ही गांव में रहते हैं, जो गांव का नाम क्या है, सेमापुर. सकल वाज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय. सकल 12 साल का बच्चा है. हिज मदर शीला लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, यानी कि शीला की जो माताजी है वो सॉरी सकल की जो माताजी है शीला, वो घर के घरेलू रखरखाव के कामों को करती है. ठीक है, हिज फादर बूटा चौधरी वर्क इन एन एग्रीकल्चर फील्ड. और बूटा चौधरी जो है एक इंसान है जो उसके पिताजी हैं, किसके, सकल के. वो कहाँ काम करते हैं, एक एग्रीकल्चर लैंड पे काम करते हैं. ठीक है, सकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स. ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू. ठीक है, सकल क्या करता है, अपनी माता को हेल्प करता है किस चीज में, घरेलू रख रखाव करने में. ठीक है, और अपने यंगर ब्रदर छोटे भाई बहनों को भी देखता है, जिसका नाम जीतू और सीतू है. His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting in ideal in a house as he had no job. ठीक है, और उसके एक अंकल भी हैं जिसका नाम श्याम है, उन्होंने 10th पास करा है लेकिन उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है यानी कि बेरोजगार है. ठीक है, बूटा एंड शीला वॉज ईगर टू टीच शकल. ठीक है, बूटा और शीला क्या थे, बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे अपने बच्चे यानी कि सकल को पढ़ाने के लिए. दे फोर्स हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइंड. ठीक है, और उन्होंने क्या करा, फोर्स करा किसको, सकल को, कि वो आसानी से कहाँ चले जाए स्कूल ज्वाइन कर ले, जो गांव में जो स्कूल है वहां ज्वाइन कर ले. ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. ठीक है, और उसने क्या करा, पढ़ना स्टार्ट करने के बाद क्या करा उसने, अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस को पास करा. हिज फादर परस्यूड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज. उसके पिताजी ने किसको, सकल को बोला कि तुम अपनी स्टडीज आगे बढ़ाओ और आगे भी पढ़ो. ठीक है, 12th पास करने के बाद उसे बोला और आगे पढ़ो. ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर. और उन्होंने सकल को बोला, सकल के पढ़ाई के लिए जो एक वोकेशनल कोर्स था कंप्यूटर में पढ़ाई करने के लिए, एक लोन भी लिया. सकल वाज मेरिट्रियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग. सकल जो था प्रारंभ से ही क्या था, बच्चों पढ़ने में बहुत मेरिट्रियस था और उसका पढ़ाई में बहुत मन लगता था. विद ग्रेट वीगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स. और अच्छे मार्क्स के साथ उसने, अच्छे एंथुजियाज्म के साथ और बहुत उत्सुकता के साथ उसने क्या करा, अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म. और थोड़े ही समय के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में क्या मिल गई, जॉब मिल गई. ही इवन डिजाइंड एन न्यू काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर. और उसने क्या करा, अपने कंपनी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करा. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म. और कंपनी को जो फर्म थी, फर्म जो प्राइवेट फर्म थी, उसकी सेल में वृद्धि हो गई उसके सॉफ्टवेयर से. ठीक है, हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन. और उसके बॉस ने क्या देखा कि सकल ने क्या करा, एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करा जिसकी मदद से क्या हुआ, कंपनी की सेल बढ़ गई और उसके बॉस को उसकी सर्विसेज पसंद आई, और जिसके पुरस्कार के रूप में उन्होंने सकल को क्या दे दिया, प्रमोशन दे दिया. तो बच्चों इस एग्जाम्पल से आप क्या समझे कि अगर सकल एजुकेशन नहीं करता तो क्या उसे प्रमोशन मिलती, क्या उसका फैमिली डेवलप्ड हो पाती मोर, नहीं.
जितनी ज्यादा एजुकेशन उतनी ज्यादा डेवलपमेंट, ठीक है, जितने अच्छे हेल्थ रिसोर्सेज उतने ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, समझ में आया। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की ओर। नेक्स्ट स्टोरी जो है बच्चों, स्टोरी ऑफ विलास। विलास वॉज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल, ठीक है। विलास एक 11 साल का बच्चा है जो कि उसी गांव में रह रहा है जहां पर सकल रहता है, ठीक है। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन। अब विलास के पिताजी कौन है? फिशरमैन, यानी कि मछली पकड़ने वाले हैं। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड। और उसके पिताजी क्या थे, उसके पिताजी की 2 साल की उम्र में, उसकी 2 साल की उम्र में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। उसकी माताजी जो गीता है वो क्या करती है, अपनी फैमिली को, परिवार को चलाने के लिए क्या करती है, मछलियों को बेचती है। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन नियर बाय मंडी, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, जो गीता जी क्या करती हैं, लैंड ओनर से, जो जहाँ पर पॉन्ड है, जहाँ पर तालाब है, तालाब के ओनर से क्या लेती हैं, मछलियाँ लेती हैं और उसे अपने पास के मंडी में बेच देती है। शी कुड अर्न ओनली ₹150 a day बाय सेलिंग फिश। और वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन का ₹150 कमा पाती हैं। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। विलास किस चीज़ का पेशेंट बन चुका है, आर्थराइटिस का पेशेंट हो चुका है। His mother could not afford to take him to the doctor. उसकी माता जी उसको डॉक्टर तक नहीं ले जा पाती क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उतना पैसा उनके पास नहीं है। He could not go to the school either. और वो स्कूल भी नहीं जाता। He was not interested in studies. और वो स्टडीज में भी इंटरेस्टेड नहीं है। He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. वो अपनी माता जी की मदद करता है खाना बनाने में और अपने यंगर ब्रदर मोहन को देखने में, ठीक है, देखभाल करने में। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड दिस वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, उसकी माता जी बीमार हुई और जिनको कोई भी देखने वाला नहीं था, जिसके बाद पूरी फैमिली को देखने वाला कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। और उनके यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पूरे परिवार चल सके या सपोर्ट कर सके। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब विलास को भी मजबूरी में क्या करना पड़ा, उसी गांव में क्या करनी पड़ी, मछलियां बेचनी पड़ी। ही इज लाइक हिज मदर अर्न्ड ओनली मीगर इनकम, यानी कि बहुत ही कम इनकम थी, अपनी माता जी की तरह उतनी ही माइजर इनकम वो कमाता था, बहुत बहुत कम पैसा कमाता था, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टोरी से क्या समझता है बेटा, इस बच्चे को ना तो इनकम बढ़ सकी, ना कोई इसने एजुकेशन ली, ना ही इसने कोई डेवलपमेंट हुआ। अगर डेवलपमेंट होता या एजुकेशन लेता या नॉलेज लेता तो क्या होता, मोर सक्सेसफुल बनता, अपनी माताजी को मदद कर पाता, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक एग्जाम्पल थे दो, एक सकल का एग्जाम्पल और एक विलास का एग्जाम्पल। सकल की स्टोरी क्या थी, डेवलपमेंट वाली थी, एजुकेशन वाली थी, जिसमें ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। और यहाँ विलास की स्टोरी में कोई ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, समझ में आया बच्चों, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं था किसी भी काम में, ना ही उसका वो आर्थराइटिस का पेशेंट था, ना ही उसे हेल्थ रिसोर्सेज मिल पा रहे थे प्रॉपरली जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। तो ऐसी स्थिति में उसकी इनकम तो सेम रही क्योंकि वो माता जी की तरह ही काम कर रहा था, ठीक है। तो बच्चों इससे पता चलता है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे वो किसके थ्रू बढ़ती है, डेवलप्ड कंट्रियों में, बाय द एजुकेशन और हेल्थ रिसोर्सेज के थ्रू, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। आर्थिक क्रियाएं जो कि एक आदमी और एक वुमेन करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डेवलपमेंट एंड द वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। जाहिर सी बात है आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा क्या होता है, धन उपार्जन होता है या विकास होता है, ठीक है। ऐसी उत्पादित क्रियाएं जिनके द्वारा धन उपार्जन किया जाए या फिर विकास किया जाए उन्हें क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत लिया जाता है। इट क्रिएट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। क्या है, ये क्रिएट करती है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन, ठीक है, किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा फाइनेंशियल गेन किया जाता है। कैसे, किसके द्वारा करते हैं हम फाइनेंशियल गेन, या तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे
ठीक है, जो कि ऐड हो जाती है, जिसकी वैल्यू किसमें ऐड हो जाती है, नेशनल इनकम में, जिसे हम जीएनपी भी बोलते हैं। अभी मैं आपको आगे इस टर्म को समझा दूंगा। सेक्टर अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बच्चों सेक्टर अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका बड़ा सा बड़ा मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो आप पढ़ोगे वो क्लास टेंथ में पढ़ोगे, लेकिन छोटा सा आपको यहाँ पर दिया गया है क्लास नाइन्थ में। प्राइमरी सेक्टर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर्स अवेलेबल इन द इंडस्ट्रीज, इन द वर्किंग इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। तो बच्चे यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। क्यों कहा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से काम हो रहा है। दिस सेक्टर कंसिडर्ड डायरेक्टली यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से लगकर जो एक्टिविटी की जा रही है, जिनके द्वारा पैसा कमाया जा रहा है, ऐसी एक्टिविटी को प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। देयर आर थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ध्यान रखिए, देयर आर थ्री सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस सेक्टर कंसिडर्ड डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। बेटा जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई चीजें हैं, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई एक्टिविटी है, सब्जी उगाना आपका, फिशिंग करना, पोल्ट्री फार्मिंग करना, या आपका एनिमल हस्बेंड्री करना, क्वेरिंग करना, फार्मिंग करना, ये सारी सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। ये सारी सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। दूसरा आपका है सेकेंडरी सेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो यहाँ पर क्या है आपका, दिस सेक्टर कंसिडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स। जितना भी रॉ मटेरियल निकलता है, वट एवर द रॉ मटेरियल इज देयर, वी विल कन्वर्टिंग इट टू फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरत पड़ती है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसमें, फिनिश गुड्स में। तो इसे बोला गया सेकेंडरी सेक्टर। समझ में आया, रॉ मटेरियल गेट कन्वर्टेड टू द फिनिश गुड्स बाय अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स, ठीक है, बाय अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स, इट इज कॉल्ड एज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, इसीलिए इसे सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है। तो टर्शियरी सेक्टर, अब जो आता है थर्ड सेक्टर, जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है बेटा, इसके अंदर सारी सर्विसेज आती हैं, ठीक है। दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशनल, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस, टीचिंग, वट एवर इज देयर, किसी भी टाइप की सर्विसेज होंगी वो सारी आपके इस टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। कोई भी आपको सर्विस मिल रही है, किसी भी तरीके की सर्विस मिल रही है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, समझ में आया। ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब किसमें है, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बच्चे देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसके थ्रू आपको आसानी से सेक्टर समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर सेक्टर्स दे रखा है, सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फॉर्म्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, आपकी फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फार्मिंग, ये सब किसके अंदर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत क्वेरिंग या मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज का रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना एंड कन्वर्टेड इट टू द फिनिश गुड्स, इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सॉरी, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशनल, टूरिज्म, हेल्थ, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टू पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बच्चा यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई गई है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वन इज मार्केट एक्टिविटी, सेकंड इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी कंसीडर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर रेमुनरेशन। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए मार्केट में की जा रही है, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, ऐसी कोई भी मार्केट एक्टिविटी जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को करके पैसा कमा रहे हैं, वो सब मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, मार्केट एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आपको पैसा मिलता है, आपको रेमुनरेशन मिलता है उसके बदले।
पुलिसमैन की जॉब हो गई, किसी भी तरीके की कोई भी जॉब जो जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके आपको पैसा मिल रहा है, जिससे वो मार्केटिंग मार्केट एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। अब आती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी कंसिडर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, ऐसी एक्टिविटी जो इंसान अपने खुद की कंजप्शन के लिए यानी कि खुद को संतुष्ट करने के लिए, खुद के उपयोग के लिए करता है, ऐसी सर्विसेज को बोला गया है नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दो प्रकार से थी, एक थी मार्केट एक्टिविटी, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी में ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दूसरों के लिए कर रहे हैं और उनके थ्रू हमें पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी थी जिसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, खुद के कंजप्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वही मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वर्क्स परफॉर्म अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर आर अ ह्यूज वर्क परफॉर्म अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर काम होता है, कैसे काम किया जाता है, तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे। देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय मैन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ वुमेन। तो देखो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत एक इंसान द्वारा की गई जो एक आदमी है और एक औरत, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वुमेन लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग फूड, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, हाउस कीपिंग एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, मैन वर्क इन अ फील्ड। तो आपने देखा होगा गाँव में मोस्टली जो है औरतें क्या होती हैं, घर के कामों को, घरेलू रख रखाव के काम करती हैं और वर्की आदमी कहाँ जाते हैं, एक खेत पे काम करने जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर है। मेन आर पेड फॉर दियर वर्क्स, ऑन द कॉन्ट्ररी वुमेन आर नॉट पेड फॉर दियर परफॉर्मेंस इन द हाउस। तो आपने देखा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस जो है दोनों मैन एंड वुमेन के बीच में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इंसान काम करता है खेत में, उसके बदले उसे पैसा मिलता है, लेकिन लेडीज को कोई पैसा उनके काम के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। द वर्क डन बाय मैन इज रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। कोई सा भी काम जो इंसान करता है, एक व्यक्ति करता है, एक आदमी कर रहा है, ठीक है, उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो हाउस होल्ड वर्क जो लेडीज कर रही हैं, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता, उसे नेशनल इनकम में कोई पहचान नहीं मिलती है। समझ में आया बात? कोई भी इंसान जो पैसा कमा तो रहा है, कमाने के लिए कर रहा है, हाउस होल्ड की चीजों का काम, कोई भी एक्टिविटी को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता है। ऐसा काम जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके पैसा कमाया जाता है, उनको लिया जाता है, चाहे वो इंसान हो, औरतों के कामों को ऐसे नहीं लिया जाता। जो औरतें अपने घर में नॉर्मली करती हैं, उनके उनके कामों को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो बच्चा, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे मेजर करी जाती है? तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेनली इन लिटरेसी रेट एंड हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। देखो, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे मेजर करी है, इट मेनली मेजर्स इन अ टर्म ऑफ लिटरेसी रेट से पता लगता है, और हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की हेल्थ कैसी है, उसके द्वारा पता लगता है। लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर द एसेट्स फॉर अ कंट्री। किसी भी देश में उसकी पढ़ी लिखी जनता और हेल्दी पॉपुलेशन ही उसकी क्या है, संपत्ति कहलाती है। ठीक है, क्यों संपत्ति कहलाती है, क्योंकि जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, जितने ज्यादा हेल्दी लोग होंगे, उतनी ज्यादा उनकी प्रोडक्टिव स्किल होगी। ठीक है, उतने ही ज्यादा उनके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है, एजुकेशन। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक पिक्चर समझाई है 1951 में। आप देखिए यहाँ पे लिटरेसी रेट को दिखाया गया है इस एग्जाम्पल में। ये पर्सन है टोटल वाला, इसमें मेल है और ये फीमेल है। तो आपने देखा होगा 1951 में लेडीज बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन मेल्स इन कंपैरिजन टू लेडीज ज्यादा थे, और टोटल पॉपुलेशन 30% होती थी। ठीक उसी तरीके से 1961 में कितना है, ये टोटल पॉपुलेशन इन परसेंटेज दिखाया गया है, किस ईयर में कितना है। ठीक है, 2011 में जो पॉपुलेशन थी, लेडीज 60% पढ़ती थी और 80% से ऊपर मेल्स को पढ़ते थे। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन का 70-80 के बीच में रेशियो था, जो लिटरेसी रेट था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जिससे आपको पॉइंट्स के बारे में समझ में आ जाए। आगे पॉइंट्स हैं इसके, दे रखे मैंने, जिससे कि आपको समझ में आ जाए एजुकेशन
के बेस पे कैसे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करा जाता है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। इट इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए एजुकेशन का होना बहुत आवश्यक है। एजुकेशन जितना ज्यादा ग्रहण करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द लिटरेसी रेट। व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड देन अ फैमिली कैन बी एजुकेटेड, आफ्टर दैट द सोसाइटी कैन बी एजुकेटेड एंड हेंस लिटरेसी रेट ऑफ अ कंट्री कैन इंक्रीज। देखो डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का विकास किस चीज पर डिपेंड रहता है, लिटरेसी रेट पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसके परिवार क्या होता है, शिक्षित होता है, उसका परिवार शिक्षित होता है। आफ्टर दैट सोसाइटी कैन बी एजुकेटेड, और उसके बाद क्या होती है, उसकी पूरी सोसाइटी, समाज, यानी कि उसके आसपास का समाज क्या होता है, शिक्षित हो जाता है। एंड हेंस द लिटरेसी रेट ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस। और इसी तरीके से यही कारण होता है जिस कारण कंट्री में लिटरेसी रेट बढ़ जाता है। एन एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर इनकम कंपेयर्ड देन अनएजुकेटेड पर्सन बिकॉज ऑफ देयर स्किल। फॉर दिस टर्म नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन इंक्रीज। एक एजुकेटेड पर्सन जो है ज्यादा पैसा कमा सकता है इन कंपैरिजन टू अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है, क्योंकि उसके पास उसकी स्किल्स होती हैं, उसकी नॉलेज होती है। और इसी टर्न के कारण इसे नेशनल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसी कंट्री की नेशनल इनकम क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एजुकेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसकी इनकम ज्यादा बढ़ेगी, और इनकम ज्यादा बढ़ेगी तो वो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ेगी। गवर्नेंस एफिशिएंसी कैन ऑल्सो बी इनहांस थ्रू द लर्निंग प्रोसेस। और गवर्नेंस एफिशिएंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता भी उस इंसान में एजुकेशन के द्वारा बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक की ओर, एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में ही पढ़ रहे थे तो एजुकेशन के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज प्रोविजन मेड फॉर द प्रोविजनल यूनिवर्सल एक्सेस रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द गर्ल, ठीक है। क्या है, एक प्रोविजन बनाना चाहिए सरकार को जिससे कि सभी लोग उससे कनेक्ट हो पाए और क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बढ़ सके। स्पेशली किस पे एम्फेसाइज होना चाहिए, गर्ल्स पे, ताकि लिटरेसी रेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके किसी कंट्री का, ठीक है। हमारे देश में तो खासकर यह है, देयर शुड बी अ प्रोविजन बनाना चाहिए, वहां पर एक प्रावधान बना देना चाहिए कि सबसे ज्यादा एलिमेंट्री एजुकेशन तक सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, और उनको जो हमारी लड़कियां हैं उनको ज्यादा एम्फोसाइज करके ज्यादा कहाँ भेजा जाए, स्कूल में भेजा जाए, ताकि वो शिक्षित हो सके। देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। और धीरे धीरे आपने देखा होगा समय के साथ साथ बदलाव होता चला गया और सभी स्टेट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग नवोदय विद्यालय खोल दिए गए सरकार द्वारा। वोकेशनल स्ट्रीम हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू द नॉलेज एंड स्किल्स। और वोकेशनल स्ट्रीम्स को भी खोला जाना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, ताकि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को उनके व्यवसाय के प्रति क्या करें, नॉलेज और स्किल्स प्रदान कर सकें। ऐसे वोकेशनल कोर्सेज को भी खोलना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू रुपीज 43,825 करोड़ इन अ टेंथ प्लान। जो पहला प्लान था एजुकेशन पॉलिसी की, पहली एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी उसके अंतर्गत 151 करोड़ का एजुकेशन के लिए बजट था, ठीक है। लेकिन आज जो है, जो टेंथ प्लान आया था, टेंथ प्लान में उसका बजट हो गया 43,825 करोड़ रुपए, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ GDP राइज फ्रॉम 0.64% in 1951 and 1952 to 3.98% in 2002 and 2003, ठीक है। देखो जीडीपी एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे, वो जीडीपी का राइज होके कितना हो गया, 0.64% से लेकर जो 1951 और 52 में
जीडीपी का 0.64% ही पैसा लगता था एजुकेशन में, वो आज की डेट में यानी कि 2002-2003 का आंकड़ा बेटा लास्ट है जो, उस तक में 3.98 बढ़ चुका था एक्सपेंडिचर। ठीक है, द लिटरेसी रेट हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 18% to 65%। देखो 1951 में 18% भारत की लिटरेसी रेट थी, जो आज 2001 में लिटरेसी रेट बढ़ के कितना हो गया, 65% हो गया। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट प्रॉपरली। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। लिटरेसी खाली एक अधिकार ही नहीं है बच्चों, इट इज बहुत, ये बहुत जरूरी है, इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर द सिटीजन, ये एक आम इंसान के लिए भी जरूरी है ताकि वो अपनी ड्यूटीज को इंजॉय कर सके, अपने राइट्स को समझ सके और प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज का निर्वाह कर सके। ठीक है, लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 50% हायर देन फीमेल्स, और लिटरेसी रेट आज की डेट में जो देखा जाता है वो मोस्टली 50% हायर है फीमेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फीमेल्स थोड़ा कम है, लेडीज ज्यादा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की और नेक्स्ट रिसोर्सेज की। तो लिटरेसी रेट्स वेरी फ्रॉम, कहां से लिटरेसी रेट वेरी करते हैं, तो बच्चों यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि लिटरेसी रेट कैसे वेरी करता है। 96% इन द सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला टू बिलो 30% इन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखो जगह जगह के हिसाब से लिटरेसी रेट क्या करता है, वेरी करता है, वेरी मतलब चेंज होता है। तो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है 96% है डिस्ट्रिक्ट कहाँ, केरला में। केरला में बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें 96% तक लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर कुल 30% ही लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश। ठीक है, द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 5 lakh villages in India. Expenses of school has been diluted by Sarv Shiksha Abhiyan in is a significant step towards providing elementary education to all children in the age of 6 to 14 years old by 2010. तो बेटा क्या था, प्राइमरी स्कूल जो एजुकेशन पॉलिसी आई, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया, शिक्षा का विकास होता गया, तो प्राइमरी स्कूल की संख्या जो गांव में थी वो बढ़ा के कर दी गई कितनी, 5 lakh। और स्कूल के कारण जो इतना स्कूल का एक्सपेंशन हुआ उसके कारण सर उसको बढ़ाया गया किसके द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान गांव में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाती है, जिसमें 6 साल के बच्चे से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन लेने का राइट है, फ्री एजुकेशन लेने का राइट है, जो कि दिया गया 2010 में। ठीक है, इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और यह क्या था, जो सर्व शिक्षा अभियान था 2010 में जो प्रोड्यूस करा गया गवर्नमेंट द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान जब लॉन्च करा गया तो उन्होंने क्या करा, ये किस लिए करा था, क्योंकि ये क्या थी, एक टाइम बॉन्डिंग थी, उस समय की टाइम बॉन्डिंग थी जो लोकल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ने मिलकर करे, जिससे कि एलिमेंट्री लेवल पर यूनिवर्सलाइजेशन करके कम्युनिटी के गोल्स को अचीव करा जाए, कंपनी कम्युनिटी के यानी कि जो वहाँ की कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी किसे बोलेंगे हम, कम्युनिटी बोलते हैं जैसे कि वहाँ के आस पास के लोग जो हैं उनकी कम्युनिटी को के उद्देश्यों को उनके लक्ष्यों तक पहुँचाया जा सके, इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में लॉन्च किया गया। आज जो स्कूल बढ़ा दिए गए हैं वो 5 lakh 2010 तक थे, अब बढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, मिड डे मील स्कीम्स हैज बीन इंप्लीमेंटेड टू इंक्रेज अटेंड एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव दियर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, विकास होता चले गया एजुकेशन का, और विकास होने के कारण क्या हुआ, मिड डे मील फैसिलिटी भी सरकार ने लॉन्च कर दी ताकि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को बनाए रखा जा सके और उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ बनाए रखी जा सके। ठीक है, तो मिड डे मील देना भी स्कूल में चालू कर दिया सरकार ने। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, हेल्थ। बच्चों अब आते हैं हेल्थ के बारे में, पहला रिसोर्स हमारा क्या था, एजुकेशन था, दूसरा क्या है,
health. An unhealthy person is a burden for a country in a term of economics. कोई भी एक अनहेल्दी इंसान क्या है, कंट्री के ऊपर बोझ है. ठीक है, अनहेल्दी इंसान कंट्री के ऊपर बोझ है. अनहेल्दी माइंड क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट. जैसे कि हम जानते हैं कि जितना स्वस्थ हमारा दिमाग होगा उतना ही स्वस्थ उसका एनवायरनमेंट होगा, उसके आसपास का पर्यावरण उतना ही स्वस्थ होगा. फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री हेल्दी एनवायरनमेंट इज कंपल्सरी. और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी पर्यावरण का होना अनिवार्य है. ठीक है, इन इंडिया स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव फ्यू मेडिकल कॉलेजेस, दीज स्टेट्स हैव पुअर हेल्थ कंडीशन. तो आपने देखा होगा कि भारत में जो दो स्टेट्स हैं, एग्जाम्पल दिया है, जहां पर बहुत ही गंदी मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत ही कम मेडिकल कॉलेजेस हैं और वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम है, बहुत बहुत गंदी देखी गई हैं. ठीक है, तो ऐसे कौन से दो स्टेट हैं इंडिया में जो सबसे कम हेल्थ कंडीशंस को प्रोवाइड कराते हैं, हेल्थ रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं? पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश. ऑन द अदर एंड फोर स्टेट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र हैव मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज विद 81 मेडिकल कॉलेज आउट ऑफ 181. 181 जो भारत में संख्या है मेडिकल कॉलेजेस की, उसमें से 81 कॉलेज खाली चार स्टेट में है. कौन कौन से चार स्टेट? कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है, तो यहाँ पर 81 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए. इन इंडिया infant mortality rate has come down from 147 in 1957-51 to 34 in 2016. तो बेटा जो infant mortality rate है वो इंडिया में गिरकर आ गया 34. पहले जो था 147 था in 1951. अब infant mortality rate होता क्या है बच्चों, पहले ये ध्यान रख लो. ऐसे बच्चे, ऐसे नवजात बच्चे जो एक साल की कम उम्र में मर गए. ठीक है, एक साल की कम उम्र में मर गए, ऐसे बच्चों की संख्या को ही इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बोला गया है. हजार पे ली जाती है बेटा, ये काउंट करी जाती है हजार. यानी कि अगर 1000 बच्चे बॉर्न हुए हैं तो उनमें से वन ईयर कंप्लीट करने से पहले कितने बच्चे मर गए, उनके ऊपर ये इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बनता है. ठीक है, तो 147 था जो कि 1000 बच्चे अगर 1951 में पैदा हुए थे तो 147 उसमें से डेथ हो गई थी जिनकी. ऐसी 2016 में वो गिर के कितनी रह गई, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट गिर के रह गई 34%. यानी कि 34,000 में से 34 चिल्ड्रन ऐसे थे जो एक साल पूरा करने से पहले ही इस दुनिया से अलविदा कह दिया जिन्होंने. ठीक है, क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 एंड डेथ रेट टू 6.4 इन 2016. क्रूड बर्थ रेट बेटा गिर गया और हमारा डेथ रेट भी गिर गया 2016 में. ठीक है, क्रूड बर्थ रेट कम हो गया है. क्रूड बर्थ रेट यानी कि ऐसे जो अननेचुरल डेवलप्ड बच्चे थे जो नेचुरली डेवलप्ड नहीं हो पाते थे, उनकी जो बर्थ रेट है वो 20.4 रह गई और डेथ रेट जो थी हमारी कंट्री की कितनी हो गई, 6.4% हो गई टोटल पॉपुलेशन की. क्रूड बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ लिविंग बर्थ अकरिंग इन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया पर 1000. एक ज्योग्राफिकल एरिया में हजार बच्चों के अगेंस्ट कितने बच्चे एक्सपायर हो गए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. मतलब लिविंग बर्थ, कितने लोग जीवित रहे और कितने लोग एक्सपायर हो गए, ऐसे के ऊपर क्रूड बर्थ रेट यहाँ पर समझाया गया है. बच्चों समझ में आया, एक बार फिर से देख लो. क्रूड बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ, कितने जीवित बच्चे हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में हजार में से. ठीक है, तो उनको बोला गया क्रूड बर्थ रेट. इनफेक्ट मॉर्टिलिटी रेट क्या है, जितनी डेथ हुई है एक साल से कम पीरियड में. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फिनोमेनन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन वांट टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड द वर्क. ठीक है, एक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत कोई इंसान काम तो करना चाहता है
जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास काम अवेलेबल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लाइबिलिटी टू द नेशन, एक अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी क्या है, एक देश का दायित्व है। इट इज लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, और ये क्या है, एक तरीके से मैन पावर रिसोर्सेज का वेस्टेज है। ठीक है, ये लीड्स करती है किसको, वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, जो इंसान की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, कार्य क्षमता को वेस्ट करने को लीड कर रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, अर्बन एरिया में भी होते हैं बेटा लेकिन रूरल एरिया में ज्यादा है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरिया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेटा, इसके बारे में आप ब्रीफ से आगे पढ़ेंगे जब आपका नेक्स्ट क्लास 10th में आप इसे डीपली पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो जो है आपके सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब ड्यूरिंग द सम मेथड ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। जनरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज विजिबल। In agriculture sector, some seasonal food grains are produced, so the farmer are employed only the particular season. तो देखो बच्चों, यहाँ पर example दिया है। Mostly क्या होता है, गांव में होती है खेती। आपको पता है खेती जो की जाती है वो seasonal करी जाती है। तो एक particular season में तो किसी farmer के पास काम है और किसी particular season में उसके पास काम नहीं है, क्योंकि seasonal उगते हैं हमारे food grains, जो अनाज होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, seasonal उगते हैं। इसी कारण उनके पास कुछ मंथ पे काम होता है और कुछ मंथ में काम नहीं होता है, तो इसीलिए बोला गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियरली है, नाम से क्लियर है, सीजन के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट होना। फिर है आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन द पीपल अपीयर टू द एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर सेक्टर द फील्ड रिक्वायर्स सर्विस ऑफ सिक्स पीपल एंड 9 पीपल आर वर्कड इन द सेम फील्ड, देन 3 एक्स्ट्रा पीपल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो किसी खेत में काम करने के लिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ बच्चा, कि इंसान लगता है कि वो एम्प्लॉयड है लेकिन एम्प्लॉयड नहीं होता है। देखो किसी कोई पर्टिकुलर लैंड है, उसका एरिया है 100 meters, या आप ये लगा लो वो है हमारा 100 meters का एरिया है। अब 100 meters में 6 बंदों ने काम करना है, 6 बंदों के पास 6 बंदों का एक दिन का काम है वहाँ, लेकिन काम कर रहे हैं 9 बंदे, तो ऐसी कंडीशन में वो 3 extra बंदे जो काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि काम तो 6 बंदों का ही है लेकिन कर कितने रहे हैं 9। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बोला जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन विल नॉट डिक्रीज व्हेन द 3 people आर नॉट रिमूव। अगर हम इन 3 extra बंदों को हटा भी देते हैं तो उसका प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसीलिए इसे बोला गया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जरूरत से ज्यादा लोग जब काम को करते हैं, किसी चीज में रिक्वायरमेंट कम है और जरूरत से ज्यादा वहां पे काम लोग कर रहे हैं, वर्क नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ज्यादा है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा अर्बन एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट आपकी समझ में बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इन अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर सीन। These problems occurs when an educated person is willing to work, but she or he is unable to find work. कोई भी educated people जिसे काम करने की चाह तो है लेकिन उसे काम ना मिले, तो ऐसी condition में आपने शहरों में देखा होगा, ऐसे शहरों में देखा होगा कि ऐसे लोग काम नहीं कर पाते, तो इसको बोला गया urban area unemployment. Number of graduates and post-graduated unemployed has increased faster than among matriculates unemployments. आपने देखा होगा जैसे जैसे शहरों में शिक्षा बढ़ती जा रही है, लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोग बढ़ते जा रहे हैं उसी कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि शहरों में इतना काम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो इस चैप्टर से रिगार्डिंग थी, मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट है आपकी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड हु इज कम अंडर 1 year ऑफ एज। इट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज पर
1000 लीप बर्थ। देखो ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 बच्चे जो जीवित हैं, जो जिन्होंने जन्म लिया है, नवजात बच्चे, 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हुई एक साल कंप्लीट करने से पहले, तो ऐसे बच्चों के रेट को बोला गया इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बर्थ रेट, इट इज नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने 1000 लोगों पे कितने बच्चों ने जन्म लिया है उसको बोला गया बर्थ रेट। समझ में आया, एक कंट्री की पॉपुलेशन में 1000 लोगों पर एक पर्टिकुलर टाइम में यानी कि एक साल के अंतर्गत कितने बच्चों ने जन्म लिया उसको बोला गया बर्थ रेट। इसी तरीके से डेथ रेट, डेथ रेट क्या है, कितने लोगों की डेथ हुई हमारी 1000 लोगों पर। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर पर्टिकुलर टाइम में पीरियड ऑफ टाइम में 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई इसको डेथ रेट बोला जाता है। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बेटा ये तो मैंने पहले भी समझाया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज एस्टिमेशन ऑफ अ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो इसको सिंपल शब्दों में बताऊं, किसी भी कंट्री के लोगों द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू किस में आ जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आती है। पर्टिकुलर ईयर में जितना गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंट्री की पॉपुलेशन में प्रोड्यूस करी है उसको हम किस में लेते हैं, उसको कहा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयर विद इन अ कंट्री इट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज अ एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस by a country in a given period of time. ठीक वही point है, goods and services, final goods and services produced within a country given by in a certain period of time it is called as a national income. Human capital is a stock of skill and productive knowledge embodied in human being. Human capital क्या है, ऐसे stock है जो इंसान के अंदर प्रोडक्टिव नॉलेज और स्किल्स के थ्रू उत्पन्न होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंतर्गत, उसे बोला गया है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। क्लियर, नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर एक्सेट्रा। एजुकेशन एंड हेल्थ आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा मैंने पहले ही बताया था, अभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड giving a medical care to a medical facility to a person it is called as a human capital formation. ठीक है, and main resources of human capital formation are health and education. People as resources, it is a way of referring to a country work form workforce in a term, यहाँ पे बोला गया है देखो people as resources, it is a way of referring of a country workforce in a term of existing skill and ability. किसी कंट्री की एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटी को वर्कफोर्स में कन्वर्ट करना ही क्या है, पीपल एज रिसोर्सेज कहलाता है। वैसे आपको आगे स्टार्टिंग में भी मैंने ये टर्म समझा दी थी बच्चों, अगर आपको कोई भी इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका लगभग समाप्त हो गया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल नंबर पर कमेंट करके या YouTube के इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।